इजराइल ने हमास फिर हिजबुल्लाह और अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल अब अकेले तीन मोर्चों पर ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों पर कहर बरपा रहा है। इजराइल इस वक्त चौतरफा युद्ध कर रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह पर एक्शन के बाद अब इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली एयरफोर्स ने एक बयान में कहा कि बीती 29 सितंबर की दोपहर को इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने इजरायली सीमा से लगभग 1800 किलोमीटर दूर यमन के बंदरगाह शहर होदे इदा में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर दर्जनों हमले किए। आईडीएफ ने बिजली संयंत्रों और तेल आयात करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक बंदरगाह को निशाना बनाया है। इसके साथ ही आईडीएफ ने बताया है कि वो इजराइल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करेगा और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे ही काम करता रहेगा, चाहे उसे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े। हूती जायदेस है जो यमन के अल्पसंख्यक शिया समुदाय का एक हथियारबंद समूह है जो शिया समुदाय में पहले इमाम के रूप में जाने जाते हैं। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस मिलिशिया समूह का गठन किया था। उनका नाम उनके कैंपेन के फाउंडर हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। वो खुद को अंसार अल्लाह यानी कि ईश्वर के साथी भी कहते हैं। साल 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इसराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। उन्होंने खुद को हमास और हिजबुल्ला के साथ मिलकर इसराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाले प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। बता दें कि हूती लाल सागर के एक बड़े तटीय इलाके पर नियंत्रण रखते हैं और यहीं से वो जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका, इसराइल के साथ ही कई यूरोपीय देश इससे परेशान है, क्योंकि लाल सागर दुनिया भर के व्यापारिक रास्तों में सबसे अहम है। हूती विद्रोहियों के बारे में आपको याद दिला दें कि नवंबर 2023 में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप अपने कब्जे में लिया था। उनका कहना था कि ये इसराइल का है, वे इसे यमन के तट पर ले गए थे। इसराइल का कहना है कि ना तो ये जहाज इसराइल का था और ना ही इसके क्रू का कोई सदस्य इसराइली था, लेकिन अपुष्ट रिपोर्टें बताती हैं कि इस जहाज का मालिक एक इसराइली नागरिक हो सकता है। 3 दिसंबर के बाद से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई सारे व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है और इसके लिए उन्होंने यमन के तट पर अपने नियंत्रण वाले इसराइल से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसीसी वॉरशिप ने हवा से मार करने वाले ऐसे कई हथियारों को मार गिराया, फिर भी बहुत से जहाज इनकी चपेट में आ गए। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गए। जब वो राष्ट्रपति के पद पर अली अब्दुल्ला साले के उत्तराधिकारी बने तो अब्दरबू मंसूर हादी के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने दुश्मन रहे साले के साथ एक समझौता किया और उन्हें फिर से सत्ता में लाना चाहा। यमन के उत्तर में हूती सादा प्रांत पर नियंत्रण करने में सफल रहे और साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। ऐसे में राष्ट्रपति हादी यमन छोड़कर विदेश भाग गए। यमन के पड़ोसी देश सऊदी अरब ने सैन्य दखल दिया और हूती विद्रोहियों को हटाकर फिर से हादी को सत्ता में लाने की कोशिश की। उसे यूएई और बहरीन का भी साथ मिला हुआ था। हूती विद्रोहियों ने इन हमलों का सामना किया और यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने साल 2017 में अली अब्दुल्ला साले की हत्या कर दी जब उन्होंने पाला बदल कर सऊदी अरब के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी यमन के बड़े इलाके में इनका कब्जा है और इसमें ईरान हूतियों की मदद करता आ रहा है। बता दें कि हूती विद्रोही लेबनान के सशस्त्र शिया समुदाय हिजबुल्ला के मॉडल से प्रेरणा लेते हैं। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉम्बेटिंग टेररिज्म सेंटर के मुताबिक हिजबुल्ला ही उन्हें 2014 से बड़े पैमाने पर सैन्य विशेषज्ञता और ट्रेनिंग दे रहा है। हूती खुद को ईरान का सहयोगी भी बताते हैं क्योंकि उनका साझा दुश्मन सऊदी अरब है। हूती विद्रोहियों ने जनवरी 2017 में सऊदी अरब के जंगी बेड़े अल मदीना पर हमला किया था। इसके बाद मार्च 2020 में अदन की ओर जा रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला किया गया था। हालांकि सऊदी अरब के मुताबिक ये हमला नाकाम रहा था। शक जताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा है। द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ नियर ईस्ट पॉलिसी नाम के थिंक टैंक के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास कई तरह की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं जिनकी क्षमता 80 से लेकर 300 किलोमीटर तक मार करने की है। इसमें सैयद और सेजिल मिसाइलें शामिल हैं।
इस विद्रोही संगठन के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो 300 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकती हैं। इस स्टोरी को तैयार किया है हमारे साथी मंजुका ऋषभ ने। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।